नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ कानपुर नगर के घाटमपुर सांसदीय क्षेत्र से दो बार सांसद और इस समय मौके पे विधायक श्री कमल रानी जी हैं। कमल रानी जी, हमारे स्वतंत्र प्रभात चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। आज मैम का जन्मदिन है, हम अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते हैं। और साथ में एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि आपको पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, सीतापुर आपको भेजा गया है। और मैं आप अपने दर्शकों को बता दूं कि कमल रानी जी खास करके पासी समाज की देश में एक बड़ी नेता जानी जाती हैं। यहाँ पे आपको मैम सीतापुर में ऐसा क्या लगता है, राजेश वर्मा जी यहाँ से सांसद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसके पहले भी वो चुनाव जीत चुके हैं, दोबारा फिर से पार्टी ने टिकट दी है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो पासी बिरादरी है खास करके, उसके लिए और क्या बेहतर कर किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये बता दूँ कि ये जो पासी बिरादरी है ये शुरू से ही भाजपा में रही है, और केवल आपके सीतापुर में ही नहीं, हम तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ घाटमपुर कानपुर और इलाके में भी मैं जाती रहती हूँ इस बिरादरी में, तो इनका रुझान शुरू से ही भाजपा में रहा है। और यही इसी कारण मैं भी इसी पार्टी में रही हूँ, शुरू से आई हूँ इसी पार्टी में, शायद मरने के बाद ही मुझे जाना होगा, तो पासी बिरादरी इसी में ही रहेगी। और अभी जब मैं गाँव दौरे कर रही हूँ तो पूरा पासी बिरादरी का रुझान जो है भाजपा में ही है। काफ़ी बेस्ट शेड्यूल आपका चल रहा है और मैं देख रहा हूँ, मैं आपसे घाटमपुर में भी मिला था, तो आप पहले सबसे बड़ी बात कि आप एक महिला होके इतनी हिम्मत और इतनी ताकत कहाँ से लाती हैं, और क्या प्रेरणा आपको, ऐसा कौन सी चीज़ प्रेरणा देती है कि आप इतनी मेहनत कर पाती हैं? मौके पे हम बाहर मौसम देखते हैं, बहुत धूप है, फिर भी आप लगी रहती हैं, तो ऐसा क्या है, किस चीज़ से आप प्रेरणा लेती हैं? कुछ अगर कोई व्यक्त करना चाहे स्वयं, तो एक तो वो ऊर्जा उसके पास होती है, दूसरी बात जब हमारे प्रधानमंत्री मात्र 24 घंटे में 20 घंटे काम करते हैं, केवल 4 घंटे आराम करते हैं, तो क्या ये प्रेरणा नहीं है? यही प्रेरणा लेकर हम लोग उतरे हैं। भले ही अभी हमने चुनाव अपने यहाँ लड़ाया है और दूसरे दिन मैं यहाँ आ गई हूँ, लेकिन मुझे कुछ लगता ही नहीं है। जब मैं जाती हूँ और मोदी जी का नाम सुनती हूँ, लोग पूछती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी काहे आई हो, तो भाई हम आए हैं इसलिए। अरे तुम जाओ, मोदी का यहाँ सब मोदी का है, तो हमें बस अपने आप ताकत आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है अपने आप। तो हमारे प्रधानमंत्री में कुछ तो ऐसा है कि वो हम लोगों को, एक तो हमारे प्रेरणा है वो, और दूसरी बात वो ऊर्जा उन्हीं से हमको मिलती है। ऐसे प्रधानमंत्री अगर हो जो वाकई में देश के लिए कुछ करने को तैयार है, सब कुछ कर रहे हैं, सबके लिए किया उन्होंने, किसके लिए नहीं किया है, तो हमको लगता है अभी 5 साल जो उन्होंने दिए हैं मात्र एक ट्रेलर के रूप में ही था, अभी सिनेमा बाकी है। इस बार जब प्रधानमंत्री वो बनेंगे तो निश्चित ही देखेगा बहुत कुछ होने वाला है इस देश के लिए। बस यही हमारी ताकत है कि वो रहें, कि ठीक स्वस्थ रहेंगे, वो इसी तरह काम करते रहेंगे देश में, अपना नाम रखेंगे, और जो हमारे देश को एक ऊंचाई पे ले जाना चाहते थे वो, तो वो चाहते थे कि एक ये जो सोने की चिड़िया का भी हम लोग नाम सुनते थे, आज वो पूरे विश्व में एक स्वर्ण सितारे के रूप में उभरेंगे ये देश, ऐसी उनकी मान्यता है, इसी में हम सबकी मान्यता है, यही हमारा पास ऊर्जा का उनकी प्रेरणा है हमारे पास। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की महासचिव बनाई गई हैं प्रियंका गांधी। अभी 2 दिन पहले हम उनके एक रैली में गए थे, उनका एक बड़ा आरोप था मोदी जी पर कि मोदी जी जब भी कहीं भाषण देते हैं, उनके 1 घंटे के भाषण में वो 40 मिनट सिर्फ गांधी परिवार को कोसते हैं, वो उनको 5 साल में वो किए क्या, इसका उनको हिसाब देना चाहिए। आपको इस पर क्या कहना है? 70 साल का हिसाब दे दें वो, इतने जीवन भर उन्हीं के लोगों ने यहाँ शासन किया है, वो हिसाब दे सकते हैं क्या? हम तो दे सकते हैं हिसाब, हमसे हिसाब लेने आए तो हम हिसाब दे सकते हैं उनको। पार्टी ने आपको सीतापुर कितने दिन के लिए भेजा है और कब तक आपको यहाँ रहना है? कल चुनाव यहाँ समाप्त हो जाएगा तो कल मैं चली जाऊंगी, यहाँ पर कुछ गांव करके कल वापस हो जाऊंगी, क्योंकि सीतापुर का मूड आपको क्या दिखा? बहुत अच्छा मूड है। हमने सभी जातियों में देखा, ये नहीं कि पासी ही, हर जाति मोदी को देना चाहता है। यहाँ प्रत्याशी की कोई बात नहीं करता, केवल कमल का फूल और केवल मोदी, ऐसा लगता है मोदी खुद लड़ रहे हों, उनको कुछ भी नहीं, केवल मोदी बस। मैम सीतापुर पासी बाहुल्य माना जाता है, यहाँ पे पासी का एक बड़ा वोट बैंक है, आपको क्या लगता है कि आपको पार्टी ने यहाँ इसीलिए भेजा क्योंकि आप एक पासी समाज की बड़ी नेता के रूप में तेजी से उभर रही हैं, या फिर कोई और रीजन था? हाँ, ऐसा भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी जब काम पे लगाती है तो कुछ ना कुछ उसकी उपयोगिता होनी चाहिए,
और उनको लगा होगा कि 3 लाख 2.5 से 3 लाख यहाँ पासी है और मैं पासी बिरादरी की हूँ तो निश्चित मैं कुछ कह पाऊंगी कर पाऊंगी उनके लिए, तो उन्होंने मुझे भेजा है, ऐसा भी हो सकता है। और हुआ भी यही, हमारे साथ बाबू राम जी थे साथ में, आज सुबह से साथ में थे, हम ऐसे ऐसे क्षेत्रों में गए, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, माना इस बात को कि हमारी बिरादरी जो है टोटल अपने भाजपा के साथ में है, और खुश थी वो कि आप आई हैं, मुझे पाके खुश भी हुए वो लोग कि आप आई हैं हमारे बीच में, तब तो कोई कमी रही नहीं जानी है। दो बार से आप सांसद रह चुकी हैं, एक बार यहाँ से राजेश वर्मा जी सांसद हो चुके हैं, दोबारा फिर से इलेक्शन चुनाव मैदान में, आपको क्या लगता है, आप सीतापुर काफी घूमी है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या और बेहतर हो सकता है जिससे सीतापुर की जनता को लाभ हो? नहीं, अब तो देखिए लास्ट है ये, और अब तक सब लोगों ने मन बना लिया है, अब इसमें कम और ज्यादा वाली कोई बात नहीं रह गई, ये कर पाने वाली भी बात नहीं, अब तो टोटल आप देखिएगा 23 तारीख के बाद क्या होने वाला है, आप जो नहीं सोचते थे वो भी हो जाएगा, इतना बंपर वोट उनको मिलने वाला है, निश्चित ही जब जीतेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ कमल रानी जी थी जो घाटमपुर संसदीय क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुकी हैं और मौके पे वहाँ पे विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं, और ये पासी समाज की एक तेजी से उभरती हुई महिला नेता है पूरे प्रदेश में, तो पार्टी कहीं कहीं इनका और इनके कद का इस्तेमाल अच्छे से कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।